नमस्कार दोस्तों, आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। दोस्तों, इससे पहले हमने दो पेपरों का एनालिसिस करा दिया है और ये आपका आईटीआई सीबीटी एग्ज़ाम सेकेंड ईयर का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पेपर है और सभी को पता है कि अब की बार से आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पेपर होगा, पहले ये नहीं होता था। तो हमने दो पेपरों का एनालिसिस करा दिया है और आगे भी इसी प्रकार के पेपरों का एनालिसिस करने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करो था, बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे आपको हर क्लास नोटिफिकेशन मिलेगा। साथ ही अगर आपको इन पेपरों की पीडीएफ फाइल चाहिए तो भी डिस्क्रिप्शन जाइए, वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो जहाँ पर सभी प्रकार के पेपर अवेलेबल है। साथ ही वहाँ पर हज़ारों बच्चे हैं जो रोज़ काफ़ी बच्चे एग्जाम दे के आते हैं। आपको पता भी सीबीटी एग्जाम चल रही है, फिर वो आपस में पेपरों का एनालिसिस करते हैं और अब तक हमने बताया जो 90% पेपर इस चैनल के माध्यम से आ रहे हैं, तो सभी छात्रों के लिए ये है। साथ ही आप आईटीआई सीबीटी एग्जाम के नाम से सर्च करके भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी बार बच्चे के कमेंट आते हैं कि सर लिंक में ग्रुप ज्वाइन नहीं हो रहा, तो आप वहाँ से भी ये कर सकते हो। साथ ही स्टार्ट करते ज़्यादा वक्त ख़राब न करिए, क्योंकि अब आपको पता है कि 13 दिसंबर से आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग और प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो जैसे ही वो कंप्लीट होंगे उसके बाद में आपकी इस पेपर का भी होगा। साथ इंजीनियरिंग के पेपर हम बहुत जल्द लेके आ रहे हैं, मैंने आज भी एक क्लास डाल दी थी, अब दूसरी क्लास अब इम्प्लॉयबिलिटी स्किल की है, तो हम रोज़ 2-3 क्लास डालेंगे जिसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट ईयर हो या सेकेंड ईयर हो, सभी के पेपरों का एनालिसिस कराएंगे। तो स्टार्ट करते हैं और आपका पहला क्वेश्चन क्या इस प्रकार ये पेपर आएगा आगामी एग्जाम में आप देख सकते हो। तो आपका पहला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास में उद्यमी का क्या कार्य होता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा प्रति व्यक्ति आय में सुधार है, राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, अच्छा उद्यमी बनने के लिए किस गुण का होना आवश्यक है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा कार्य के लिए वचनबद्धता होना है, राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है, विचार वस्तु और सेवा का प्रदत्त रूप निम्नलिखित में से क्या है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा विज्ञापन, यानी सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की व्यवहार्यता अध्ययन वस्तु की सुपुर्दगी के बारे में जानकारी देती है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा तकनीकी व्यवहार्यता। अगला क्वेश्चन है, भूमि इमारत और मशीन जैसी टिकाऊ संपत्ति को खरीदने के लिए किस प्रकार की पूंजी की आवश्यकता होती है? दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा निश्चित पूंजी, यानी ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नई जोखिम भरी परियोजना की स्थापना के लिए कौन सा वित्तीय संस्था सहयोग प्रदान करता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर आएगा डी, यानी MSME। अगला क्वेश्चन है, ATM का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों, ये हो गया आपका ऑटोमेटिक ट्रेलर मशीन। अगला क्वेश्चन है, उत्पादन को कौन सा अनुपात परिभाषित करता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर आएगा उत्पादन से निवेश का अनुपात। दोस्तों, ये आपका ATM वाला है, ये काफ़ी बार CBT एग्जाम में इसके बारे में पूछा गया है, सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। अगला क्वेश्चन है, निम्न उत्पादन का क्या प्रभाव है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा प्रति व्यक्ति GDP में कमी। अगला क्वेश्चन है, बैंकिंग प्रक्रिया में कौन सा दस्तावेज पहचान पत्र के रूप में मान्य नहीं है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आय प्रमाण पत्र। अगला क्वेश्चन है, कर्मचारियों की मृत्यु या उन्हें चोट लगने के परिणाम स्वरूप कंपनी द्वारा लिए गए जोखिम का क्या नाम है? दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा दायित्व जोखिम। अगला क्वेश्चन है, कारखाने के नियम के अनुसार कर्मचारियों को सप्ताह में अधिकतम कितने घंटे तक कारखाने में काम करना चाहिए? दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा 48 घंटा। अगला क्वेश्चन है, EPF अधिनियम 1992 के अनुसार एक कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी का न्यूनतम कितना प्रतिशत योगदान EPF में देता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा 12%। अगला क्वेश्चन है, प्रशिक्षु अधिनियम कब लागू किया गया था? तो दोस्तों, वो लागू किया गया था 1961, राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक उपचार में ABC का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा एरीवे बर्थडे एंड सर्कुलेशन, यानी बी इसका राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति कार्य करने की दृष्टि से सुरक्षित नहीं है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा चिकना फरस, यानी वहाँ पर आप सुरक्षित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या ऊर्जा का नवीनीकरण साधन है? तो दोस्तों, वायु ऊर्जा उसका नवीनीकरण साधन है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि और कंपन के कारण किस प्रकार का खतरा उत्पन्न होता है? तो बताओ दोस्तों, ध्वनि और कंपन के कारण किस प्रकार का खतरा उत्पन्न होगा? दोस्तों, इसका राइट आंसर आएगा भौतिक खतरा।
अगला क्वेश्चन है, जल की वाष्प को सरल पानी की बूंदों में रूपांतरित करने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे कहते हैं कंडेंसेशन। अगला क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा का मुख्य संयोजन क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा अम्लीय, पूछ रहा है तो अम्लीय वर्षा है तो उसमें क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल होगा या सल्फ्यूरिक अम्ल और जलवाष्प होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा सी। अगला क्वेश्चन है, गुणवत्ता प्रबंधक में KAIZN से क्या समझते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा आपका सव अनुशासित, यानी बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, समस्या के निदान के लिए कितने प्रकार के टूल्स का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 60 टूल का प्रयोग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, स्केटर डायग्राम क्वालिटी टूल का क्या कार्य है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा निरंतर उत्पन्न होने वाले कारणों का प्रभाव, यानी डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रखरखाव पद्धति स्टच इन टाइम प्रक्रिया का लक्ष्य आवृत्ति निरीक्षण के द्वारा होने वाले ब्रेकडाउन को टालना होता है? दोस्तों राइट आंसर आएगा नियत रखरखाव। अगला क्वेश्चन है, गुणवत्ता वर्थ को परिभाषित करने के लिए किस नाम का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा उत्पादन वर्थ। तो दोस्तों ये आपके 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे, आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। और ये अगर आपको इस प्रकार इंग्लिश का पेपर भी चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, वहाँ पर मैं अभी जैसे ही वीडियो अपलोड करूँगा हाथों हाथ इसको भी वहाँ पर अपलोड कर दूँगा। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे।